नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। हाल के दिनों में हिंदुओं को निशाना बनाना और मंदिरों में तोड़फोड़ करना बहुत आम होता जा रहा है। भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों जैसे अमेरिका में भी ऐसी घटनाएं अब लगातार हो रही हैं। इस तरह की सबसे हालिया घटना भागलपुर जिले के सनहौला में हुई, जहां एक स्थानीय मंदिर में तोड़फोड़ के बाद तनाव बढ़ गया। शहबाज नाम के एक व्यक्ति ने सनहौला पुलिस स्टेशन के पास स्थित मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया। इस घटना के बाद वहां के हिंदू समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया, जिसके कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। ये पूरी घटना तब सामने आई जब रविवार की सुबह मंदिर के पुजारी ने भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता, राधा कृष्ण और माँ दुर्गा की 6 मूर्तियों को अपवित्र पाया। उन्होंने तुरंत गांव वालों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद सैकड़ों हिंदू इकट्ठा हो गए और विरोध में सड़क जाम कर दिया। ये प्रदर्शन करीब 3 घंटे तक चला और लोगों ने न्याय की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में शहबाज को गिरफ्तार किया है। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि नुकसान इतना बड़ा था कि किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। श्रद्धालुओं ने ये भी आरोप लगाया कि मंदिर से 10 लाख रुपए के आभूषण चोरी हुए हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक चोरी की पुष्टि नहीं की है। स्थिति को शांत करने के लिए शांति समिति की बैठकें की गईं और पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च भी निकाला। लेकिन जब पुलिस और मंदिर समिति के बीच बातचीत हो रही थी, तो कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। बाद में बातचीत के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ, लेकिन हिंदू समुदाय में गुस्सा और दर्द अब भी बना हुआ है। इस घटना पर पुलिस का बयान था, आज सनौला थाना अंतर्गत एक माँ दुर्गा के मंदिर में कुछ मूर्तियों को एक असामाजिक व्यक्ति द्वारा विखंडित कर दिया गया था। इसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा रोड जाम किया गया तथा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने की कोशिश की गई। इसमें इस घटना में शामिल उक्त व्यक्ति को, जिसने मूर्ति तोड़ी थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया तथा आगे की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। विधि व्यवस्था अभी सामान्य कर लिया गया है, ट्रैफिक नॉर्मल है, किसी भी तरह की समस्या अभी नहीं है। ये घटना अकेली नहीं है। सितंबर में मथुरा में शेर खान नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति ने एक हिंदू मंदिर पर हमला करने की धमकी दी और मंदिर के महंत पर हमला कर दिया। उसने मंदिर में पत्थर भी फेंके। जनवरी में राम मंदिर शोभा यात्रा के दौरान 15 हिंसक घटनाएं सामने आईं, जिनमें सभी में कट्टरपंथियों का ही नाम आया। वहीं इसी साल गणेश चतुर्थी के दौरान भी कई जगहों पर सांप्रदायिक तनाव हुआ। झारखंड के लोहरदगा में गणेश पूजा समिति पर हमला किया गया, जबकि गुजरात के सूरत में गणेश चतुर्थी के दौरान पत्थरबाजी की गई। एक हिंदू परिवार जो गणपति की मूर्तियां बना रहा था, उस पर 3 इस्लामी व्यक्तियों ने हमला किया। रामनवमी, नवरात्रि और गणेश चतुर्थी जैसे हिंदू त्योहारों के दौरान हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अक्सर ये देखा गया है कि इस्लामी भीड़ हिंदू जुलूसों पर तब हमला करती है जब वे मस्जिदों के पास से गुजरते हैं। उत्सव के संगीत, ढोल और डीजे की आवाज के साथ अक्सर हिंसा भड़क जाती है। गौर करने वाली बात यह है कि हिंदुओं के खिलाफ इतने उकसावे के बावजूद कहीं से भी ये खबर नहीं आती कि हिंदू भीड़ ने किसी इस्लामी जुलूस पर हमला किया हो या मस्जिद को नुकसान पहुंचाया हो। तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों एक विशेष समुदाय हिंदू त्योहारों और मंदिरों को निशाना बनाता है? क्या कारण है कि हिंदुओं को उनके अपने धार्मिक आयोजनों के दौरान बार बार हमला सहना पड़ता है? भारत में लगभग 80% आबादी हिंदू है, फिर भी बार बार बहुसंख्यक समुदाय ही हमला झेल रहा है। ऐसे हिंसक कृत्यों को क्यों बर्दाश्त किया जा रहा है और हिंसा फैलाने वालों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हिंदू समुदाय जो हमेशा से शांति प्रिय और सहनशील रहा है, अब इस लगातार शत्रुता से थक चुका है। अब वक्त आ गया है कि इस प्रवृत्ति पर सवाल उठाए जाएं और विचार किया जाए कि आखिर ये विशेष समुदाय हिंदू धर्म और परंपराओं के प्रति इतनी नफरत क्यों पाले हुए है। इसका जवाब न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि देश के भविष्य और उसकी शांति के लिए भी जरूरी है। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए TV और वेब सीरीज सेक्शन जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं।
खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा, फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रिदम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।